चलो आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अब आप सोच रहे होगे दीदी ये क्या सब्जियों की दुकान से लेके बैठ के सब्जी बेचने का काम कर लिया क्या मैंने? गलत। एक्चुअली ये सारी सब्जियां हमें दी हैं सरकार ने। सरकार ने? जी हाँ सरकार ने ही दी है। अब ये मैं बोला कि दीदी हमें भी बता दो ऐसा जुगाड़ सरकार हमें भी दे देंगे सारी सब्जियां। एक्चुअली बात ये हुई कि मेरे कोई नॉन है जिनको एक बंगला मिला हुआ है सरकारी और उन्होंने ही आज हमें लंच पे इनवाइट किया था मेरे को और मेरे हस्बैंड को। तो वो उन्होंने ही ये हमें अपने बंगले में उनके बंगले के पीछे एक गार्डन है जो रसोई थी जिसमें सब्जियां उग रखी थी ऑर्गेनिक सब्जी उन्होंने हमें दी है हैंड टू हैंड तोड़ के। कुछ चीजें तो ऐसी है जैसे कि नींबू देखिए अभी ये देखो कांटे मेरे को आज पहली बार पता चला कि नींबू में कांटे होते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया है। अब ये कैसे बनता है मुझे भी नहीं पता। उन्होंने मुझसे बोला ये सोया होता है। आई डोंट नो कि कैसे बनता है। अगर आपको बनाना आता है तो मुझे भी बताइए ये सोया सोया साफ होता है कैसे बनता है। यूट्यूब में पता चलेगा मुझे नहीं पता कैसे बनता है। फिर उन्होंने दिए हैं ये इतने सारे नींबू। कहा है कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं नींबू का पानी पिए और नींबू की चाय पी के पतले हो जाए। ये उन्होंने पालक हमें हैंड टू हैंड तोड़ के दिया है। ये लॉट्स ऑफ धनिया उनके वहां पे हो रहा था। ये देखो कितना सारा धनिया आज ही मैंने धनिया की चटनी बनाई उन्होंने दिए है। ये फूल गोभी नहीं पत्ता गोभी है पत्ता गोभी उन्होंने तोड़ के दी थी। बहुत सारी पत्ता गोभी उनके वहां पे सरकारी बंगले पे हो रही थी। उनका ब्लॉग भी मैंने बनाया है। मैं ऊपर सजेस्ट वीडियो में या फिर एंड ऑफ स्क्रीन पे लिंक दे दूंगी कि वो कौन थे जिनके घर पे हम गए। एक्चुअली सीएम का घर सीएम हाउस मैं बोल सकती हूँ जो दिल्ली में है यूपी गवर्नमेंट का दिल्ली में एक सीएम हाउस है वहां पे हमें लंच पे इन्वाइट किया गया था। हम वहीं से ये सब्जियां इकट्ठी करके लेके आए हैं। आप सोचो कि दिल्ली वाले नहीं सॉरी यूपी वाले अपना हिस्सा लेने यूपी में भी चले गए। दिल्ली में मतलब सामान था उनका वो। और उसके बाद ये उन्होंने हमें दी है मैथी। मैथी बोलते हैं इसको आई थिंक सो प्योर है एकदम अभी छोटी है। ये उन्होंने हमें दिए हैं ये मैं लगाऊंगी अपने पौधों पे। ये मैंने बकायदा मैं जड़ सहित लेके आई हूँ। आप देखो कि इसमें मिट्टी भी है मिट्टी भी है बकायदा तो जड़ सहित लेके आई हूँ पुदीना क्योंकि ये मुझे लगाना है इसलिए ये मैं लेके आई हूँ। आप लोगों ने कभी इतना बड़ा मनी प्लांट देखा है? ओह माय गॉड इतना बड़ा मनी प्लांट इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां देख रहे हो आप कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां। तो मैं माली था वहां पे उससे मैंने बोला कि भैया ये मुझे भी अपने गमले में लगाना है तो मुझे उसने कटिंग करके दी है इसकी। ये आप देख रहे हो जड़े आ गई है इसमें। मैं भी अपने घर पे लगाती हूँ। वैसे आप लोगों ने देखा इतना बड़ा मनी प्लांट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो ये उसकी कटिंग है मनी प्लांट की जो मैं अपने गमले में लगाने वाली हूँ। मैंने स्पेशल उससे रिक्वेस्ट करके मांगी थी। एक और भी है उसने वो माने में पानी में लगा दी है। तो वैसे मैं आपको किसी दिन अपनी बालकनी का भी टूर कराऊंगी कि मेरे को किन किन पौधों का शौक है। थोड़ी बहुत गार्डनिंग करती हूँ जब भी समय मिलता है तो मैं जरूर और जरूर करती हूँ। और मेरे को क्या मेरे हस्बैंड को भी शौक है कौन कौन से पौधे शुभ होते हैं हमारे घर के लिए जिसकी मनी प्लांट घर के लिए बहुत शुभ होता है। मनी प्लांट अगर घर के बाहर लगा दो किसी भी दिशा में आपका घर हो अगर मनी प्लांट घर के बाहर लगा दो तो वो घर के बाहर का जो भी वास्तु दोष होता है वो सारा समाप्त हो जाता है। और अगर आपका घर के बगल में जिसकी मेरा एंट्रेंस जो है मैं किसी दिन आपको विजिट कराऊंगी अपने घर के बाहर ही हमारी सीढ़ियां हैं ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है। बेशक ये हमारे किराए का घर है यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। वैसे अगर हमारा वृंदावन में है वैसे अगर हमारा हसनपुर में है वैसे अगर हमारा अमरोहा में है दिल्ली में है भगवान की कृपा से आपकी बहन के घर बहुत सारे हैं तो ऊपर को सीढ़ियां जा रही है नीचे को सीढ़ियां जा रही है तो हमारा जो पैसा है वो सारा ऊपर को चला जाता है नीचे को चला जाता है। तो घर के बाहर अगर मनी प्लांट लगा दो तो पैसा कहीं भी नहीं जाता है किसी भी प्रकार का दोष खत्म हो जाता है। तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा मेरे को यूनिक मनी प्लांट लगा तो मैं कटिंग लेके आ गई हूँ। नेक्स्ट उन्होंने लॉट्स ऑफ ये देखो ना कड़ी पत्ते बहुत सारे कड़ी पत्ते दिए हैं और साथ में जो कड़ी पत्ता होता है ना वो भी कटिंग प्लांट होता है। आपने देखा ये कटिंग काट के दी है उन्होंने कहा ये पत्ते निकाल लेना और ये कटिंग गाड़ देना कटिंग प्लांट होता है ये लग जाएगा उग जाएगा। ये उन्होंने नींबू का प्लांट दिया है नींबू नींबू का ये देखिए यहां से इन्होंने शायद कटिंग कर रखी है
पता नहीं क्या दिया, उन्होंने कहा दीदी ये ऐसे लगा देना, हाँ और ये हो जाएगा, नींबू का पौधा है ये, पता नहीं क्या होता है ये, इसको बोलते हैं संतरे की प्रजाति है कोई है, मुझे नहीं पता क्या है, ये भी कटिंग प्लांट है, ये भी मैं वहां से लेके आई हूँ, और ये भी कड़ी पत्ते का ही प्लांट हूँ, मैं वहां से लेके आई हूँ, और मैं ये सारा ये तोड़ लूंगी पूरा अपना तोड़ के, ये देखिए उन्होंने ऐसे ही बोला, ये सब तोड़ के कड़ी पत्ता, एक्चुअली हम लोग फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं, इतनी ऑर्गेनिक सब्जियां कहाँ है यहाँ पे इतनी ऑर्गेनिक तो होती नहीं, बस इसको मैं लगा दूंगी, अगर हो जाएगा तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये सारा का सारा सामान मुझे दिया है हमारा एक मित्र बोल सकते हो आप, भाई बोल सकते हो, अभिषेक राजपूत नाम है उनका, उन्होंने आज में लंच पे इनवाइट किया था अपने बंगले में, सरकारी बंगला उनको मिला हुआ है, हम वहां पे गए थे और बहुत जल्दी वहां पे हमारे कुछ प्रोग्राम भी होने वाले हैं आने वाले टाइम में, आपको मैं अवगत करा दूंगी। अगर आपको उसका ब्लॉग देखना है कि वो कितना सुंदर बंगला था सरकारी, दिल्ली में था लेकिन था सरकारी और यूपी वालों का था, बहुत सुंदर, अगर आपको उसका ब्लॉग भी देखना है तो एंड ऑफ स्क्रीन में आपको उसका ब्लॉग मिल जाएगा और कुछ फोटो तो मैं अभी उसकी आपको शेयर कर रही हूँ, आप देखिए फोटो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। ये कुछ वहाँ की फ़ोटोएँ हैं जो मैं आप लोगों के लिए लगा दी हैं, आप लोग देखिए मज़े लीजिए, और बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ हो सकता है कि कार्यक्रम हो, मैं कश्योर नहीं हूँ, तो हर दिन का ब्लॉग बना के मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं जगह देखने गई थी कार्यक्रम का, वहाँ पे एक ऑटो नहर भी है, प्राकृतिक नहर है, आर्टिफिशियल नहर है, पे बहुत सारी फोटो खिंचाई हैं, तो ये फोटो मैंने कुछ आप लोगों के लिए लगा दी हैं, आप देखते रहिए और बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।